हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे वायरल रील ट्यूटोरियल के बारे में। वो हम आपको एडिट करके दिखाएंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड कि आपको उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, वो चीज़ें बताएंगे और आपको फाइनल आउटपुट भी दिखाएंगे। सो सबसे पहले हम आपको म्यूज़िक दिखा देते हैं। सो ये रानी तू मैं राजा, ये म्यूज़िक है, इसको प्ले कर। इसकी रील भी दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं इसमें कितने कितने व्यूज़ आए हैं। 4 मिलियन, 36 मिलियन, 4 मिलियन, 19 मिलियन। सो इसको हम प्ले करते हैं एक बार। सो ये है कुछ हमारी रील जिसको हम आज एडिट करने वाले हैं। हमारे जो मोबाइल है उसमें VN एप्लीकेशन होना चाहिए। सो जो iOS यूज़र है वो ऐप स्टोर से कर सकते हैं डाउनलोड, और जो एंड्रॉयड यूज़र हैं वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ईजिली अवेलेबल है। सो अभी हम अपने VN एप्लीकेशन पर आ चुके हैं। सो आपको ये वीडियो एडिट करने के लिए आपको चाहिए 15 फोटोज़, आपके पास 15 फोटोज़ होनी चाहिए। सो अभी हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो अभी हमें क्या करना है, बॉटम पे प्लस का आइकन दिख रहा है उस पर करना है क्लिक। यहाँ पे आ गया न्यू प्रोजेक्ट, अब हमें क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे करना है क्लिक। अब हम क्या करेंगे, वो जितनी भी फोटोज़ थी हम वो सारी फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर लेंगे 15। तो ये हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं, और इनको हम क्या करेंगे, अब एडजस्ट कर देंगे थोड़ा सा। यहाँ पे हम जैसे ही ऊपर आपको दिख रहा है ओरिजिनल टैप करेंगे, टिकटॉक का 9:16 इस रेशियो में हम फ्रेम कर देंगे। तो ये हमारी सारी इमेजेस इसी फ्रेम में आ जाएंगी। एक्स्ट्रा है इसको हम कर देंगे रिमूव। अब हमें क्या करना है, म्यूज़िक सेलेक्ट करना है। म्यूज़िक सेलेक्ट करने के लिए हमें वो रील, कोई भी रील डाउनलोड करनी होगी। वो कैसे करना है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप कोई भी रील अपने गैलरी में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सो उसके लिंक आई बटन में मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पे म्यूज़िक प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर करेंगे क्लिक। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गए, हम पहले ऑप्शन पे करेंगे म्यूज़िक। अब हमें क्या करना है, एडिट के जस्ट सामने प्लस का आइकन दिख रहा है, इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गए, हमें क्या करना है, वीडियो से म्यूज़िक को एक्सट्रैक्ट करना है क्योंकि हमने एक रील वीडियो डाउनलोड करी है। सो हम ये 3rd ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हमने डाउनलोड कर रखी है 6 सेकेंड की, इसको हम कर लेंगे क्लिक। अब यहाँ पे हम एडिट करके इसका रिनेम कर सकते हैं, रानी, मैंने इस तरह से रानी कर दिया। ये देखिए टॉप पे आ गई हमारी, इसको कर देंगे चूज़। ये हमने सेलेक्ट कर ली। अब हम क्या है, म्यूज़िक बीट्स यहाँ पे आ रहे हैं, म्यूज़िक बीट पे हम करेंगे क्लिक। यहाँ पे फ्लैग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर कर देंगे टैप। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम बीट्स लगाएंगे। यहाँ से हमारा 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, क्रॉस, प्ले एंड टिक, तो हम प्ले करके चेक करेंगे। सो हमारा एक यहाँ पे फ्लैग आएगा, एक ये लगा दिया। एक हम यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ पे लगा देते हैं। अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है बीट, इसी को, इमेज को हमें करना है उतनी ही उतनी कट। इस पे टैप करेंगे, जब ये बॉर्डर मोटा सा आ जाएगा उसको पकड़ के हम स्लाइड कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, वो इमेज हमारी छोटी होती जाएगी। सो हम एक बार देख लेंगे, ये पहली इमेज सेट हो गई है। अब इसी तरह से हम सारे फ्लैग जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ तक सारी इमेजेस रखेंगे, तो इसको हम फटाफट कर लेते हैं। सो आपको पहले दिखा दिया किस तरह से करना है, इस पर डबल टैप करना है, मोटा सा बॉर्डर बन जाएगा, फिर आपको एंड में जाना है और उसको कर देना है स्लाइड, ये हमारी कम हो जाएगी। तो हमारे सारे फ्लैग लग चुके हैं, सारे उस पर इमेजेस भी एडजस्ट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाने हैं इफ़ेक्ट्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इमेज पे करेंगे टैप,
उस पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं FX लिखा है, इस पे हम करेंगे क्लिक। यहाँ से आपको जो भी इफेक्ट अच्छा लगता है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हमें क्या करना है, हमें शेक सेलेक्ट कर सकते हैं या तो जिटर लेफ्ट, तो हम अभी शेक सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अप्लाई टू ऑल लिखा है जिससे कि सारे इमेजेस पे अप्लाई हो जाएगा, हम करेंगे क्लिक अप्लाई ऑल पे। सो अब हम प्ले करते हैं। तो अब हम इसको कर लेंगे एक्सपोर्ट। आपको टॉप पे सेव एंड एक्सपोर्ट दिख रहा है, तो हम एक्सपोर्ट पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट ओरिजिनल, तो अगर ये आपके में टॉगल इस तरह से सेलेक्ट अनसेलेक्ट होता है तो आपको क्या कर लेना है, इसको ग्रीन कर देना है, टॉगल को मूव कर देना है। एंड देन यहाँ पे आपको दिख रहा है टिक, उस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन होकर आ जाएगी, आपको ये विंडो क्लोज नहीं करनी है जब तक ये हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता है। सो हम वेट करेंगे। सो ये हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी सेव हो जाए तो ये एप्लीकेशन में भी आपके सेव हो जाएगा, सेव एज अ प्रोजेक्ट, जिससे कि आप अगर दोबारा एडिट करना चाहते हैं तो आप उसी क्लिप में एडिट कर सकते हैं, इस तरह से बना के अपलोड कर सकते हैं और अपनी रील को वायरल कर सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपके पास कोई वीडियो है जिसकी आप ट्यूटोरियल चाहते हैं, एडिटिंग ट्यूटोरियल, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।